सबसे पहले इस कसरत के इस कार्यक्रम के जरिए मैंने पहले ही कहा कि आप बच्चों को कि जिस तरह से आप स्कूलों में हर सुबह कसरत करते हो उसी से थोड़ा अलग होकर आज यहाँ पर हमारे पास जो हमारे प्रमुख गेस्ट आए हुए हैं जैकी बगनानी जी जो सिने अभिनेता है और सिने अभिनेता होना के साथ बच्चों को बच्चों में कसरत के माध्यम से अभ्यास के साथ साथ शरीर की सुदृढ़ता होनी जरूरी है, उसके लिए वो हर जगह पर इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। और इस संकल्पना को लेकर हमारे युवा सेना के सचिव, युवा सेना के नेता आदरणीय आदित्य जी ठाकरे साहब ने इन संकल्पना को स्वीकार किया और पूरी महानगर पालिका के स्कूलों में इस तरह की कसरतें इनके माध्यम से होकर सुदृढ़ता के लिए बच्चों को ये यहाँ पर एक प्रत्यक्ष दिखाई जाएंगे। मैं सबसे पहले इस क्षेत्र के विधायक सुनील जी प्रभु जी से अनुरोध करता हूँ कि आप आदित्य साहब का पुष्पगुच्छ शाल जाकी मगनानी साहब का यहाँ पर शाल देकर उनका स्वागत करें। युवा सेना प्रमुख जिनके संकल्पना से ये कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है आदित्य साहब ठाकरे जी, इनका भी स्वागत यहाँ पर अपने लाडले आमदार विभाग प्रमुख उप विभाग प्रमुख सुहास वाडकर, विष्णु सावंत आप भी मंच पर आइए। अमोजी टिंदीकर युवा सेना सरचिटनीसर बोले जाते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आप सभी से कहा था कि आप हर रोज इस बड़े मैदान में आकर पीटी के क्लास के समय में कसरतें करते हो, उन कसरतों से अलग होकर अपनी शारीरिक मानसिक सुदृढ़ता के लिए मुंबई शहर के पूरी मुंबई महानगर पालिका के स्कूलों में इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन युवा सेना के प्रमुख आदित्य जी ठाकरे साहब के माध्यम से उनके संकल्पना से हर स्कूलों में यह कार्यक्रम हो जा रहा है और इसका माध्यमता है आपके सामने उपस्थित सिने अभिनेता जैकी बगनानी जी। इस कार्यक्रम के लिए मैं आदित्य साहब से विनती करता हूं कि आप अपने दो शब्द कहें। कैसे हो सगळे? गुड मॉर्निंग। सगळे किती वाजता शाळेत आले तुम्ही? 7:30। लेट कोण कोण आले आज? मागून हात वरती येतात बघा। मुलीमध्ये कोण लेट नाही येत ना? सगळे अभ्यास करतात, नीट करतात। कितने बच्चे लेट आते हैं लड़कों में से? अच्छा, आप सब कसरत करते हो? क्या करते हो कसरत में? पीटी, योगा। आप क्या करने वाले हो? सेल्फी की कसरत? सेल्फी सब बाद में लेंगे, बट आज हमारे साथ जैकी बगनानी आए हैं। जैकी तो आपको पता है, सब एक एक्टर है, बड़े एक्टर है, स्क्रीन पे देखते हो। लेकिन अभी सिर्फ स्क्रीन पे नहीं, आप सब जो अपनी स्कूल है बीएमसी के उसमें आप देखोगे जल्दी जैकी को, हर एक स्कूल में जाने वाले हैं। क्या आप रोज जब पीटी कर दो कि वहाँ व्यायाम कर दो ना, हाथ वर्ती करा, गोल फिरा, डायमंड करा वगैरह, ते आता रोज रोज से झालं, कधी कधी आपल्याला कंटाळा येतो, बरोबर ना? जैकी काहीतरी नवीन करणार आहे। जैकी क्या करने वाले हो आप? कैसे हो आप लोग? तो आदित्य जी ने बोला कि लड़कियां टाइम पे आती हैं, लड़के टाइम पे नहीं आते। आई थिंक ये बचपन से प्रॉब्लम है हमारा, नहीं लड़कियां हमसे बहुत आगे चल रही हैं अभी। गाइस, वी हैव टू डू समथिंग। आप टाइम पे आते हैं तो आप इधर आके बैठ जाइए। इधर आओ। क्या नाम है आपका? अभिषेक। कितने टाइम पे आते हो? कितने बजे आते हो? 7:00 को। अरे बट लड़कियां तो 7:30 को आती है, तो आप पहले आके क्या करते हो स्कूल में?
स्कूल कितने बजे शुरू होती है? 7:30 तो पहले आधे घंटे आके क्या करते हो? इनके लिए वेट करते। क्रिकेट वगैरह खेलते हो? नहीं। फिर फुटबॉल? अरे वाह, मैं भी फुटबॉल का चेयरमैन हूँ। आपको मैं फुटबॉल ला के दूंगा सबको स्कूल में। अच्छा, तो अभी हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि अभी इंतजार की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कसरत प्रोग्राम है वो हर एक BMC के स्कूल में जैकी ला रहे हैं। हमारा जो PT क्लास होता है, जो रेगुलर PT क्लास होता है, आगे चलो पीछे चलो हाथ ऊपर करो, उसको थोड़ा एडिट करके थोड़ा मॉडिफाई करके जैकी कुछ अलग सिखाने वाले हैं अपनी फिटनेस के लिए। आप सब तैयार हो? सब सीखने के लिए तैयार है? और रोज करेंगे? ठीक है, हो गया। जैकी का शिको दत्त बाप ले लो जैकी। चलो मैं बच्चों को ऊपर बुलाता हूँ, आप शुरू कीजिए। मैं दूर बैठने वाला हूँ, आपकी कसरत थोड़ी टफ है। लेकिन मैं एक्चुअली उससे पहले कुछ कहना चाहूँगा। अच्छा, जब मैं स्कूल में था तो मैं 140 किलो का था, क्योंकि मुझे ना PT क्लास बहुत बोरिंग लगता था। ये 1, 2, 3, 4 में इतना बोर हो जाता था, तो मैं घर जाके सिर्फ खाता था और वीडियो गेम खेलता था। वीडियो गेम खेलना अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन मुझे लगा कि जो PT क्लास है वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाए, थोड़ा सा और मज़ा आए, तो हमें करने में भी मज़ा आएगा। नहीं, क्या बोलते हैं आप लोग? और आदित्य जी मेरे मित्र हैं, तो वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं BMC के लिए और स्पेशली बच्चों के लिए, तो आई थिंक एक ताली उनके लिए बजानी चाहिए हमको। बस मेरा मन तो बहुत था आप लोग के लिए कुछ करूं, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिल रहा था और आदित्य जी ने मुझे वो मौका दिया। सो थैंक यू सो मच। इसे कहते हैं उला हूँ, और आप पूरा खटोला भी बोल सकते हैं। Can we have the kids we've selected? पकड़ लो। अब ये गले को ऐसे से कर रहा था ना, कमर को कराएंगे। अरे ससुर की बात है, बैठा हो कहे खड़ा होते। हेलो पापा। हेलो चला वाले सर। ओ चला, सभी बच्चे ये मसाला प्लीज, सभी बच्चे बैठ के। अरे बिठाओ इनको। स्टेज पर ज्यादा बच्चे स्टेज पर न जाए। आ जाओ नीचे, नीचे आ जाओ, बाकी लोग नीचे आ जाओ, नीचे आ जाइए। सभी बच्चे बैठ करके एकदम शांति से देखेंगे, सब कुछ सीखने को मिलेगा। ये माननीय आदित्य ठाकरे जी के द्वारा ये जो कार्यक्रम आपके सामने दिया जा रहा है, आपके सेहत के लिए, आपके लाभ के लिए। सभी बच्चे एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। वेल डन, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चेक कीजिए हमें। अरे बच्चे, ए चना की दरिया। तालियां, बहुत अच्छे बच्चे लोग, ध्यान से सीखिए। आपको रोज ये कसरत करनी है। वो चना मसाला पिक्चर निकाल रहा है सर लोग। आशा तुम लोग एक बार पुराना मसाला है, कैसा लगा? तो मैंने करके दिखा दिया। अब लड़कियां, क्यों आप लोग की बारी है। तो
थोड़ा डिस्टेंस रख कर भारी वाला कौन करेगा? भारी वाला कौन करेगा? आ जाओ बाहर। I would love to give it to him, but जितना आपका वजन है उतना इसका फसल है। करो। अरे ओ, बच्चे लो। ये 10 किलो इसका वजन। तुम्हारा कितना है? 10 किलो। कसरत करो, strong हो। चलो let's try सुनो। सारी लड़कियों को एक बार इसके लिए चीयर करना चाहिए। बहुत अच्छा किया सुमित, सुपर। बच्चे बैठ जाएं, सभी बच्चे बैठ जाएं अपनी जगह। सब लोग स्टे कर बच्चे। कितने करोगे? उतने करूंगा ना मैं। 20 पुशअप, ओके? सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर्म करेक्ट होना बहुत जरूरी है। बैक स्ट्रेट होना चाहिए, हिप्स ऊपर होने चाहिए और चेस्ट जमीन पर टच होना चाहिए। इनको बिठाओ यार, बैठ कर देखिए, बैठ कर देखिए, सबको दिखेगा। आप लोगों को मजा आया? तो ये सारी चीजें आप प्रोजेक्टर और वीडियो और सारी चीजों के जरिए देखेंगे। इसे कहते हैं कसरत, हिंदुस्तानी शब्द है कसरत। एक और चीज दिखाऊंगा, सबसे स्ट्रॉन्ग तीन लोग कौन है यहाँ पर? सबसे स्ट्रॉन्ग Thank you.
बच्चों आपके पास मेहमान आए हुए हैं और उन मेहमान का स्वागत आपको शांति से करना। आप थोड़ा बैठ के लीजिए, बैठ जाओ नहीं तो फोटो नहीं लेंगे। बैठो, सभी लोग जोरदार तालियां, सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बैठकर आप लोग फोटो में आएंगे, बैठ जाओ। बस सगड़ा बस, खाली बस, खाली बस, सगड़ा खाली बस। खाली बस बैठ जाओ। बच्चों मनपा शाला के विद्यार्थियों के बीच सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हेलो, हम हर रोज जो पीटी क्लास करते हैं बीएमसी स्कूल्स में, मैं खास धन्यवाद देना चाहता हूँ जैकी बंगनानी को, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया कसरत। इसी से ये जो प्रोग्राम है इससे जो एक्सरसाइज है हमारी फन होगी, ज़्यादा एफिशिएंट होगी और राइट ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि मुझे कभी कभी इंजरीज हो जाती है। तो एफिशिएंट ट्रेनिंग, राइट ट्रेनिंग और बच्चों को मज़ा भी आए ऐसा प्रोग्राम जैकी ने लाया है बीएमसी स्कूल्स में, उनको खास धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि वो खुद एक फिटनेस बफ है। आप तो जानते हैं सब कि वो कितने 140 केजीज के थे और अभी तो सिक्स पैक्स वगैरह आ गए हैं। तो बच्चों को सिक्स पैक्स तो नहीं लेकिन हर दिन कोई फिटनेस की जो मज़ा है वो लेना ज़रूरी है और वो हम देना चाहते हैं। जी क्योंकि मेरी गर्दन में थोड़ी मोच है लेकिन जल्दी एक्चुअली इन्होंने मुझे बोला था इनके नेक में है बट ये फिर भी आए बिकॉज यू नो कोई भी और होता तो कैंसिल कर देता, बट क्या है नेक इज वेरी सेंसिटिव। मैंने इन्हें कहा था कि आप प्लीज़ स्टेज पर आना मत बिकॉज नेक आपका बैक बहुत सेंसिटिव होता है और उससे मस्ती नहीं करनी चाहिए। अगले प्रोग्राम में हम कंपटीशन करेंगे पुशअप्स या फुटबॉल अच्छा खेलते हैं बहुत और अब नेक्स्ट टाइम प्लीज मुझे भी बुलाना। बिल्कुल, थोड़ा किक भी करेंगे। हर दिन कोई 15 मिनट भी दे मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ भी कब कसरत करो, चलो, कोई भी मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और पेट भरने से अच्छा है कि आपके कैलोरीज बर्न हो और सिक्स पैक्स बढ़े। मैं ये कहूँगा कि जब मैं स्कूल में था तो मुझे गाइड करने वाले बहुत लोग थे लेकिन जो भाषा बच्चे समझते हैं वो कोई समझा नहीं पाता था कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बिकॉज मैं वहाँ से गुजर चुका हूँ, मैं समझता हूँ कि वो क्या फील कर रहे हैं और यही है कि अगर उन्हें आप इंटरेस्टिंग तरीके से वो चीज़ दें तो वो उसे पिकअप कर लेंगे, ना कि हम सीरियस तरीके से बताएं कि वर्कआउट करो। हम सबको मालूम है वर्कआउट करना अच्छा होता है, शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन मज़ा करते हुए कैसे आप उन्हें वो करा सकते हैं वो हमारी कोशिश है। एंड थैंक्स टू आदित्य जी एंड बीएमसी एंड शिवसेना दैट यू नो हम जैसे लोग बहुत चाहते हैं ये सब करना लेकिन हमें वो मौका नहीं मिलता। ये बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, शंकर महादेवन जी का क्लास भी इन्होंने मुझे बताया था लास्ट टाइम। सो इट्स ग्रेट दैट यू नो म्यूनसिपल बच्चों को इतना कुछ हम दे पा रहे हैं बिकॉज करना तो सब कुछ चाहते हैं लेकिन ज़रिया बहुत लोगों को मिलता नहीं है। यंगिस्तान तो है खुद, यंगिस्तान अभी तो मैं थोड़ा ढंग से एक्टिंग कर लूँ, मे भी कुछ साल बाद मैं चले जाऊँगा, देखूँगा क्या है मेरा सीन।